पर्थ का मैदान था, 11 हीरे मैदान में उतरे, एक एक हीरे ने कारकर्दगी दिखाई, सब की टीम पाकिस्तान जो है वो किसी तरह पार लग जाए। लेकिन अब मामला कुछ यूं है कि भारत अपने सारे मैचेस हारे, पाकिस्तान सारे मैचेस जीते, बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो शायद हम इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये हीरे और इनको लाने वाले क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बात करते हैं एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और आमिर हमारे साथ। सलीम भाई, क्या हुआ ये? मतलब इंडिया से भी यही हाल है, जिम्बाब्वे से भी यही हाल है, फिर इधर लाहौल मॉडल टाउन बुला के इन लड़कों को क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल बात अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बात करने को दिल नहीं कर रहा कि मतलब हम अगर जिम्बाब्वे से भी अगर हम मैच नहीं जीत सकते तो मेरा ख्याल अगर लोग बात करते हैं ये कि क्रिटिसाइज करते हैं। अब सिलेक्शन पे हम बार बार क्यों कहते हैं कि बहुत जल्दी सिलेक्शन, आप ये देखो वसीम को, मेरा ख्याल मैं पिछले जब से आपके इन प्रोग्रामों में आ रहा हूँ मैंने दो तीन बंदों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, उसमें से वसीम भी थे, फिर नदीम थे, फिर जनरल जुकी जिया का बेटा था, जो इन लोगों ने कुछ नहीं किया और ये क्रिकेट बोर्ड में। तो बात ये है कि अब मुझे वसीम आके टीवी पे जवाब दे लोगों को कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन सी सिलेक्शन कैसी हुई है जो आज आपको नज़र आ गया कि 130। देखें जब विलियम्स अगर रिवर्स स्वीप ना मारे बैठे बात कर रहे थे कि अगर ये 160 करके तो हमसे मुश्किल होएगी, तो मैं हम दोनों आपस में बात कर रहे थे वैसे तो आज हमें किस किस लड़के का नाम आप स्टार्ट से ले लें, दो ओवरों में ऐसे लग रहा था कि जिम्बाब्वे पहले ओवर में चला, अगर शदाब तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान थोड़ा सा जो है वो अंडर प्रेशर लगा, अगर आप थोड़ा सा उनके चेहरे देखें लड़कों के तो यूजली दे आर वेरी कॉन्फिडेंट हंसने खेलने वाले, बट प्रॉबेबली पहला मैच हारे हुए थे एंड दे रियली वांटेड टू डू गुड इन दिस मैच, और उसके बाद टीम को जब वो बॉलिंग करने आ रहे हैं आई वी कैन अंडरस्टैंड कि उनको ये मैच जीतना था, जल्दी आउट करने थे, प्रेशर everybody came in and everybody tried it was rightly so as a bowling agar main aapko as a bowler feeling batau to main har jo bhi bowler aa rahe the wo yehi koshish kar rahe the ki hum iska पाकिस्तान हार गया जी उनसे, डिपेंड करता है, हमने पहले भी बात की थी कि बाबर और रिजवान का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं थे कि वो दोनों ओपन करें और चीज़ें करें, लेकिन देखें आज एक दफ़ा आपको फिर आज का मैच हारने के बाद आपको ये समझ आ गई दोनों मैचों में ऊपर से दोनों आउट हुए, फिनिश
फिनिश लाइन तक भी लेके जा सके। तो ये कुछ चीज़ें क्या को गलतियाँ पुरानी वाली दोहराई हैं कोई नई की हैं? वहाँ भाई का अपना ओपिनियन है, आज तो 130 करना था ना, अपनी गेम खेल सकते थे। आज तो किसी ने नहीं कहा था कि छक्के मारो या चौके मारो, यही था ठीक है इनिंग को बिल्ड करो। बात ये है कि जब वर्ल्ड कप आ रहा है हमने किसके साथ क्या किया है, आपको अपने कम्फर्ट जोन से मैं डे वन से कह रहा हूँ लेकिन ये स्टोरी बड़ी लंबी है। इट वॉज बाउंस सिलेक्शन हुई थी टीम की तो हर बंदे ने क्वेश्चन किए आगे थे ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, वी आर लुकिंग फॉर द यंग ब्लड। आपने 4 में 40 करवाया हुआ, उनके बॉलर्स आते हैं 5 में 22 लगा हुआ है, 2 आउट है। तो कहीं ना कहीं तो हम गलती करें, सिवाय आपके हारिस के कोई तगड़ी बॉलिंग नहीं कर रहा और शदाब की, एक ये चीज। दूसरा फिर वही मिस्टेक्स हो रही है कि गेम अवेयरनेस क्या है। शदाब ने, हालांकि शदाब मेरा भाइयों की तरह दोस्त है, लोग कुछ कहते होंगे कि वो जब मैंने इमाद और सरफराज की बात की ना तो कहते हैं ये तो यराना है सरफराज, जितनी शायद मैं शदाब से खुल के बात करता हूँ या इमाद से किसी और से नहीं करता हूँ। आज शदाब ने जब छक्का मारा गेम सीधा हो गया, उसने अगली बॉल पे फिर वही गलती दोबारा, तो गेम अवेयरनेस आती है फिर। विकी भाई आप पे इल्जाम लग जाएगा गेम अवेयरनेस। अब बात यह है कि देखिए टैक्टिक्स पे अब बात नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब मिरेकल के लिए देखना, हम एक तरफ हम कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड बीटर्स हैं, अब हम देख रहे हैं बारिश हो जाए साउथ अफ्रीका हार जाए तो ऐसे मजा नहीं आता वर्ल्ड क्लास टीम जाने का। ठीक, दूसरा अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो चेयरमैन साहब हैं जब ये अपने यूट्यूब चैनल पे बैठते थे, जब हम लोग खेल रहे होते थे सरफराज की कप्तानी में, तो जैसे टीम हारती थी तो सर यूट्यूब पे आ जाते थे, इसको निकाल दो, ये कप्तान नहीं ठीक, ये कोच नहीं ठीक, ये चेयरमैन की मर्जी से टीम बनी है, ये चीफ सेलेक्टर की मर्जी से टीम बनी है। सवाल ये है अब कौन लेगा जिम्मेदारी,